अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस सीरीज के अगले लेक्चर के साथ, बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज के अगले लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूँ फ़ायस महमूद। ऑर्डर एंड रिप्लाइज, ऑर्डर लेटर पढ़ेंगे हम। इससे पहले इंक्वायरी लेटर पढ़ा, अब हम ऑर्डर लेटर पढ़ेंगे। देखते हैं इसके एसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए इसमें। सबसे पहले जो ऑर्डर लेटर में आपको गौर करने की चीज़ है कि जो प्रोडक्ट आप मंगवाना चाहते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपने देनी है। एक दूसरा जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी है, कितनी तादाद में आपको वो चीज़ें चाहिए। आपने जब ऑर्डर लेटर लिखने बैठे हैं तो आपके जहन में ये होनी चाहिए चीज़ें स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट्स की। साइज कौन सा है, मिडल, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। कलर कौन सा मंगवा रहे हैं आप। आपको जब भी सेलर को चीज़ सेल करता है उसकी कैटलॉग होती है, उस कैटलॉग में हर प्रोडक्ट का एक नंबर होता है, वो नंबर अपने कैटलॉग नंबर अपने लेटर में मेंशन करना है। उस प्रोडक्ट का एक मॉडल नंबर भी होता है, वो मॉडल नंबर आपने मेंशन करना है। उसकी प्राइस कितनी है पर यूनिट प्राइस, एक से ज़्यादा मंगवाना चाह रहे हैं तो फिर उसको आगे जाके उसे एक यूनिट की प्राइस लिख के जितने यूनिट मंगवा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करके वो आपने टोटल प्राइस भी लिख दी है। आपने क्वांटिटी करेक्ट जो है वो लिखनी है, जितनी आपको तादाद में वो चाहिए। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं आती, यू हैव द राइट टू कंप्लेंट। अगर आपने गलती की है मंगवाने में, आपके लिखने में गलती है, तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपने सही सब कुछ लिखा है, बायर ने कोई सेलर ने कोई गलती की है, तो सेलर जो है वो आपको एडजस्ट करेगा, आप कंप्लेंट करने में हक बजानम होंगे। अगर गलती आपसे हो गई है फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे। पैकिंग जो है एक्चुअली ये आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। पैकिंग सप्लायर जो है वो खुद करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है उसके मुताबिक उसकी पैकिंग होती है, उसी के मुताबिक। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल पैकिंग चाहिए तो फिर आप उसे पैकिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि इस किस्म की पैकिंग जो है वो हमें चाहिए, और हार्ड केसेस में या सॉफ्ट केसेस में या जिस किस्म की भी पैकिंग आपको चाहिए वो आप उसे अपने ऑर्डर लेटर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया तो इट इज़ ओनली एंड सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उसी की जिम्मेदारी है, अनलेस आप उसे कहें कि किसी खास बंदे के जरिए या खास ट्रांसपोर्ट के जरिए आपको कोई चीज़ भेजी जाए। इसके बाद आपने फुल एड्रेस उस प्लेस का जहां पे आपको गुड्स डिलीवर की जाए वो लिखना है। टाइम, ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम किस वक्त आपको चाहिए। अगर वो उस वक्त में आपको नहीं भेजता, डिलीवरी नहीं देता, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस डिलीवरी को लेने से इनकार कर दें, उन गुड्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दें। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये आपको कह दिया, अगर कैरेज फॉरवर्ड कर रहे हैं आप तो फिर जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर और द सेलर। फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मेंशन दी एग्रीड प्राइस एंड टर्म्स, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई हैं, मार्केट में कुछ और बेच रहा है और आपके साथ कुछ कंसेशनल रेट तय हुए हैं तो उनका भी रेफरेंस आपने देना है। डिस्काउंट्स आपके साथ और कंसेशन जो आपको उन्होंने दिए हैं वो, और मोड ऑफ पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी है, पहले कैश भेजना है आपने तो फिर उसने गुड्स भेजनी है, या डेफर्ड पेमेंट है, ये भी आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन इस ऑर्डर के प्लेस करने से पहले आपके और बायर के सेलर के दरमियान तय पा चुकी हैं वो सारी आपने इसमें लिखनी है। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखेंगे वो अपनी मर्जी करता है तो फिर आपके पास बाद में कंप्लेंट करने का कोई चांस नहीं रहता। अब
आप देखें ये लेटर मैंने आपको सामने आपके है, इसमें देखें ये क्वांटिटी उसने क्लियरली डिस्क्राइब की है कितनी क्वांटिटी में उसको चीजें चाहिए, उनका वेट कितना है वो भी उसने ये लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया। यूनिट प्राइस का मैंने आपको बताया तो ये यूनिट प्राइस उसने लिखी है। अब उसको ये देखें डिस्क्रिप्शन में, उसने डिस्क्रिप्शन जो है ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, एनामल पेंट्स, सिंथेटिक पेंट, वाइट पेंट। अब अकेला सिर्फ पेंट लिख देता तो ये कंफ्यूजन होना था, इसलिए पहले उसने एनामल लिखा, उसको तीन किस्म के पेंट चाहिए, सिंथेटिक, एनामल और वाइट। कितनी क्वांटिटी चाहिए ये उसने स्पेसिफाई किया है हर एक की अलग अलग। वो इसको वैसे ही 55 करके भी लिख सकता था, 55 टेंथ चाहिए उसे, लेकिन उस अब उस इसके बाद अगर कोई इसके मुताबिक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं आती है चीज़, तो ये कंप्लेंट करने में या डिलीवरी लेने में उसको एक्सेप्ट करने में ये इसकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे यूनिट प्राइस। फिर ये उसने अमाउंट टोटल जो है वो करके सबकी लिखी है कि कितनी कितनी अमाउंट आती है, ये सारा बहुत क्लियरली लिखा है। टोटल अमाउंट देखिए, क्वांटिटी क्लियरली डिस्क्राइब, यूनिट प्राइस क्लियरली डिस्क्राइब, और फिर टोटल अमाउंट क्लियरली डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट क्लियरली डिस्क्राइब, टाइम फ्रेम ऑफ द डिलीवरी कब चाहिए उसे, ये सेंड द गुड्स थ्रू योर मोटर ये इमीडिएटली, उनको फौरी डिलीवरी चाहिए इमीडिएटली, टाइम ऑफ द डिलीवरी अगर इमीडिएट नहीं पहुंचती तो ये बायर जो है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके पास ऑप्शन है। मोड ऑफ पेमेंट जो है, पेमेंट विद इन 10 डेज, लेकिन डेफर्ड पेमेंट किया उसने, 10 डेज का टाइम उससे बाय किया है, ये इनके दरमियान शरायत तय हुई होंगी पहले तो उसने ये किया है। फिर इन केस ऑफ लेट डिलीवरी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट, क्या वी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ रिसीव्ड लेट, ये उसने क्लियरली कर दिया है, ताकि ये अगर ना फिक्रा वो लिखता, इसने ऊपर इमीडिएट लिखा है, इमीडिएट लिखने के बाद भी इसे ये फिक्रा लिखने की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि उनको अर्जेंसी का पता चल जाए कि इस बंदे को कितनी अर्जेंसी है और ये कितनी जल्दी चाहता है। उसने एक एक चीज़ को क्लियर किया है, डेफिनेट है, कंसाइज लिखा है, क्लियरली लिखा है, करेक्टली लिखा है, एक डिस्क्रिप्शन भी दी है, टाइम फ्रेम भी दिया है, पेमेंट का मोड भी बताया है, क्वांटिटी भी लिखी है, यूनिट प्राइस भी लिखी है, और डिलीवरी लेट होने की सूरत में वो भी उसने लिख दिया है। ये आपका लेटर ऐसा होना चाहिए, ऑर्डर लेटर, जिसमें आपके सप्लायर को कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन अगर बायर की तरफ से है तो सेलर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कंफ्यूजन जो है वो सेलर की तरफ से है, फिर आपको हक पहुंचेगा बात में कि आप इसे रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये बायर की मर्जी होती है। इंशाल्लाह अगले लेटर के साथ जो है वो हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।